दोस्तों, आप कहीं पे जॉब करते हैं या तो फिर आप मजदूर हैं, आपका हर मंथ पीएफ कटता है, तो क्या आपको पता है कि उसे आप बिल्कुल ऑनलाइन आप पूरा स्टेटमेंट देख सकते हैं। साथ ही साथ आपका कितना पैसा कट रहा है, कितना आपके खुद से कट रहा है और कितना आपको एम्प्लॉयर मिल रहा है और आपका कितना अभी तक शुद्ध ब्याज बन चुका है, उसका पूरा स्टेटमेंट आप बिल्कुल ऑनलाइन अपने मोबाइल में देख सकते हो। तो उसका जानकारी इस वीडियो में आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। आपको गूगल पे चले आना है, ऐप और लिख के आपको EPFO, तो आप लोगों के सामने बहुत सारे रिजल्ट आएगा। आपको सबसे ऊपर पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्लिक कीजिए, एक ऑप्शन आपको मिल रहा है UAN, इसे क्लिक करने से डायरेक्ट आप उस पेज पे आ जाओगे जहाँ से बैलेंस देखा जाता है। कुछ इस तरह का आपको पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको UAN नंबर मांगा जा रहा है और पासवर्ड मांगा जा रहा है। अगर आपको UAN नंबर पता नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, नीचे स्वाइप होइए, नीचे स्वाइप होना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आपको मिल रहा है नो योर UAN, तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूरी पर्सनल जानकारी देना है, जैसे कि मोबाइल नंबर दीजिएगा, कैप्चा दीजिएगा, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, उस पर OTP आएगा, सारा डिटेल भरिएगा। उसके बाद फाइनली आपको, अगर आपके नाम से PF अकाउंट है तो आपको PF नंबर मिल जाएगा। PF नंबर मिलने के बाद दोस्तों आपको फिर से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आपको बताना चाहूँगा कि अगर जब आपको PF नंबर मिल जाता है, उससे पहले आपको एक्टिवेट UAN का ऑप्शन मिल रहा है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे करने के बाद अपना जो भी PF नंबर अकाउंट नंबर है उसको सबसे पहले आपको एक्टिवेट करना है। तो अपनों यहाँ पे जो भी डिटेल UAN नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, आधार, पैन, जितने भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, सब कुछ भर देने के बाद आपको कैप्चा डाल के आपको गेट ऑथेंटिकेशन पिन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपका जो PF अकाउंट है, नंबर है, वो यहाँ से आपका एक्टिवेट हो जाएगा। जब आपका PF एक्टिवेट हो जाएगा तो फाइनली आप यहाँ से यानी कि साइन इन हो सकते हो। चलिए मैं आप लोगों को साइन इन करके दिखाता हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ पे UAN नंबर यहाँ पे मैंने दे दिया, मैंने पासवर्ड जो सेट किया था एक्टिवेट करते समय वो डाल दिया, और यहाँ पे फाइनली जो कैप्चा आपको नज़र आ रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पे भर के यहाँ पे आपको छोटा सा साइन इन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, तो आपको इसके ऊपर साइन इन क्लिक कर देना है। सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है, तो यहाँ पे आपको लेटर का ऑप्शन मिल रहा है, लेटर पे क्लिक कीजिए। अब दोस्तों आपका डैशबोर्ड नज़र आएगा। दोस्तों अब चलिए मैं आप लोगों को पूरा स्टेटमेंट निकाल के दिखा देता हूँ कि कितने कितने पैसे आपके कट रहे हैं, कितना पैसा आपका टोटल बना है, पूरा स्टेटमेंट कैसे देख सकते हैं, चलिए मैं उसकी जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पर आपको व्यू के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पर चलिए मैं व्यू के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पर आपको पासबुक का ऑप्शन मिल रहा है, इस पासबुक के ऊपर ही आपको क्लिक करना है, तो चलिए मैं पासबुक के ऊपर क्लिक कर दिया। और इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फिर से वो UAN नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है, सेम वही पासवर्ड और UAN नंबर आपका होगा। दोस्तों मैंने अपना UAN नंबर डाल दिया और पासवर्ड डाल दिया, और यहाँ पे आपको प्लस माइनस का जो भी है आपको रिजल्ट यहाँ पे दे देना है। उसके बाद आपको लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक करना है, तो चलिए मैं कर देता हूँ यहाँ पर लॉगिन के ऊपर, तो चलिए मैं सेव कर देता हूँ ताकि मुझे दोबारा ना डालना पड़े। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं आपका पासबुक पूरा ओपन हो गया है, तो यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं कि सेलेक्ट आईडी, मेंबर आईडी, तो यहाँ पे आपने जिस अधिक जगह जॉब किए हैं तो यहाँ पे आपको हो सके 2-3 मेंबर आईडी देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पे मुझे एक ही आईडी देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए व्यू पासबुक ऑल फुल यानी कि फुल स्टेटमेंट आपको देखना है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और आपका पूरा जितना भी बैलेंस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं टोटल बैलेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कितने कटे हैं। नीचे आपको पूरा डिटेल दिखा देता हूँ, जैसे कि किस किस मंथ आपके कितने पैसे कटे हैं, उसकी जानकारी यहाँ पे पूरा मिनी स्टेटमेंट